शिवपुरी जिले के विभिन्न थाना क्षेत्र से खोए हुए 22 लाख रुपए कीमत के 130 मोबाइल फोन को पुलिस की साइबर सेल की टीम ने बरामद करने में सफलता हासिल की है। पुलिस द्वारा बरामद किए गए मोबाइल फोन को उनके वास्तविक मालिकों तक पहुंचाने के लिए बुधवार को पुलिस कंट्रोल रूम में एक कार्यक्रम आयोजित किया गया। इस कार्यक्रम में पुलिस अधीक्षक रघुवंश सिंह भदौरिया ने पुलिस द्वारा बरामद किए गए सभी 130 मोबाइल फोन उनके वास्तविक मालिकों को लौटाया। अपने खोए हुए मोबाइल को पाकर मोबाइल मालिकों के बीच खुशी का माहौल देखने को मिला। वहीं पुलिस ने अपनी कार्यकुशलता का परिचय देते हुए अपने दायित्वों का बखूबी निर्वहन किया। खोए हुए मोबाइलों को दोबारा वापस पाकर लोगों ने पुलिस की कार्यप्रणाली की जमकर तारीफ की। इस मौके पर एडिशनल एसपी संजीव मुले, साइबर सेल प्रभारी कृपाल सिंह राठौर और उनकी टीमें मौजूद रही। आज आपका मोबाइल मिला है, आपको कैसा लग रहा है? बहुत अच्छा लग रहा है। कितना समय हो गया था आपको मोबाइल? दो साल में आज आपका मोबाइल मिला? हाँ, 2 साल में मिला। अच्छा, कैसा लग रहा है आपको? हमें बहुत अच्छा लग रहा है। चाहते हो आपको मोबाइल? हाँ, बहुत बहुत धन्यवाद ये सबके लिए भी। हाँ, मोबाइल मिला हमें, उनके लिए भी बहुत अच्छा है। मतलब कि सब चीज़ मिल गई हमें तो बस। ये विभिन्न थाना क्षेत्रों में आम जनता की मोबाइल हो गई थी। कई जो है सूचना ये दिए थे, साइबर सेल सूचना दिए थे, उसको साइबर सेल लगातार उसको अपने माध्यम से खोजने में लगी हुई थी, जिसमें 130 मोबाइल जो है खोजने में सफलता पाई है। और 130 मोबाइल को आज हम लोग जो है उसकी थी उसको वापस कर रहे हैं। कितनी कीमत आप देंगे? 22 लाख के आसपास। जब से आप कार्रवाई नहीं, लगातार हमारा काम है जो है अपराधियों पर नियंत्रण रखना। जो चीज़ कोई गुम हो जाती है, चाहे मोबाइल गुम होता हो, चाहे घर में कोई बच्चे गुम हो जाते हैं, बच्चियाँ गुम हो जाती हैं, या कोई आदमी व्यक्ति गुम हो जाता है, सबको हमें तलाश हमारा काम है। तो उसके उसी परिप्रेक्ष्य में हम उसको कर रहे हैं। शिवपुरी शहर में लगातार सट्टा जुआ चल जाता है, और आपके आने से सट्टा जुआ पे लगाम है? सट्टा जुआ कोई शिकायत मिलती है, मैंने सब आप लोगों प्रेस वालों को भी पब्लिक को भी बोला हूँ, कोई सूचना दे उसको पकड़वाए तो हम उसको इनाम देंगे। जो सट्टा को बिल्कुल जो है हमारे तरफ से आदेश है, कहीं भी उसको मिलता है तो उसको तत्काल उसको कार्रवाई की जाए, सिर्फ सट्टा जुआ नहीं चलेगा। जो भी 500 इनाम देंगे सूचना।